हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिफाली। वेलकम टू माय हिंदी सिटी। आज हम एक हिंदी में कहानी पढ़ते हैं, पत्नी का भूत। पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कह के वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कह के वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को एक एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है, वह घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। एक बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं? और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वह आदमी एक बार फिर से जैन मास्टर के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। मास्टर जी, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर ये मैं नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कोई भूत था ही नहीं, दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था, मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो उसे मेरी हर एक बात कैसे पता थी, आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और उसी कारण कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और
तुम्हें तुम्हारे दिमाग का ही उपद से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर जी का धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्ट फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से हमें भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी कोई तो गलती हुई होगी, पर कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है, जहाँ करोड़ों के लोग मानते हैं कि भूत सच में नहीं होते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। माई हिंदी सिटी। थैंक यू।